देख सकते हैं कैसा अंधेरा, मैं पूरा थक चुका हूँ। ये शायद पहाड़ के टूटने से बना है, ऐसा जुगाड़ बनाया है हेलमेट टांगने के लिए हम लोग। और यह रानी झरना जाने का रास्ता देख सकते हैं कैसा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। बोझ भी लगा हुआ वो मिट गया है, तो आप आएंगे तो आपको आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पूछते पूछते आइएगा फिर भटक जाइएगा। बोझ भी मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि उसमें मिट गया था पूरा लिखा हुआ। यहाँ गाड़ी को पार्किंग करके जाना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे गाड़ी को हम लोग। कोई तो दिख नहीं रहा है लेकिन देखते हैं, पार्किंग वाला तो कोई है नहीं, तो जाएंगे हम लोग पैदल ही अब यहाँ से। ऐसा है नज़ारा, हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं, ट्रैकिंग वाला रास्ता, इसलिए जूता वूता मजबूत पहन के आइएगा। अरे देखिए जंगल जो है परिपूर्ण है, जंगल में हर चीज़ आपको मिल जाएगा, प्रकृति हर चीज़ दे देती है, बशर्ते कि उसका आपको उपयोग करने आना चाहिए। और दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं रानी झरना, जो कि आपका सतरंगा तरफ से आएंगे तो करीब 10 किलोमीटर आपको पड़ेगा, वहाँ से एक पतली सी रास्ता गई हुई है, आप पूछ लीजिएगा किसी से, नहीं तो आप भूल जाइएगा फिर भटक जाइएगा, रास्ता भटक जाइएगा कि कौन जगह आना है। इसलिए आप रानी झरना आइएगा तो पूछते पूछते आइएगा। मैप में भी हम लोग देखे थे तो मैप से भटक गए थे, तो वहाँ के लोकल जो आदमी हैं उन लोग से पूछें तो वो लोग बताया कि इधर है कह के। ये कैसे जा रहे हैं हम लोग, चढ़ाव चढ़ रहे हैं, जाने के बाद देखते हैं कैसा है। हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है जाने में इधर से, क्योंकि ये जंगल ये पहाड़ ये कल कल बहती नदियाँ बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लग रहा कि हम लोग कोई घाटी में जा रहे हैं, जैसे होता है ना उधर लेह लद्दाख की तरफ वैसा, जम्मू कश्मीर की तरफ वैसा लग रहा है इधर। और देखिए कैसा है, जुगाड़ बनाए हैं हेलमेट टांगने के लिए हम लोग, बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये, खतरनाक मतलब उबड़ खाबड़। और यहाँ जो एजेड है वो नहीं आ पाएगा, वो ऐसा चढ़ाव उढ़ाव खड़ा रास्ता है और आपको उबड़ खाबड़। शायद पहाड़ के टूटने से बना है ऐसा, नदी था वो ऐसा हो गया है, तो देख सकते हैं ऐसा रास्ता कैसा है। पांव के निशान को हम लोग देखते देखते जा रहे हैं। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा लग रहा,
ऐसा बना हुआ है, देखिए स्लाइड होकर के पत्थर सब गिरा है इधर से और चढ़ने के, देखिए देख सकते हैं कैसा अंधेरा, मैं पूरा थक चुका हूँ। यहाँ से कुछ ऐसा सीन है, हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो मैं बहुत थक चुका हूँ और देखिए हम लोग कैसे जा रहे हैं इधर से, ऐसा करके हम लोग देख सकते मेरे पीछे कैसा है। और यहाँ से निकलने के बाद में आना चाहिए था, ये देखिए मैं एकदम थक गया हूँ, बहुत चढ़ाव भाई, लेकिन आया वहाँ थकान मिट गया मेरा। मस्त ठंडी ठंडी लग रही है, तो आपको दिखाता हूँ मैं इधर का सीन कुछ ऐसा है। ये है झरना कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं। ऐसा है भूख अंधेरा टाइप का लग रहा है। इंडियन आर्मी और इतना थक गए हम लोग कि मत पूछिए, लग रहा कि दिन भर चल रहे हैं ऐसा, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं। आप आइए तो पानी का बोतल ज़रूर लाइए, खाने का सामान लाइए साथ में। रानी जो झरना है बहुत ही दूर है, हालत ख़राब हो जाएगा आने में। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से पानी बोतल और खाना याद करके ज़रूर लाइए, यहाँ आइएगा तब, बहुत दूर है। अब बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को हमें बनाने में, चलना ही बहुत मेहनत है, उबड़ खाबड़ रास्ता कैसे करके हम लोग चले। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पे हमारे नए हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद।